आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी नाश्ता शेयर करने वाली हूँ। हम डिफरेंट तरीके से पर बहुत ही टेस्टी और आसान सब ये नाश्ता बनाएंगे। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, साथ ही बच्चों को भी पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे। हाय गाइस, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ब्रेड से बनने वाले इस बहुत ही टेस्टी और चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए मैंने नॉर्मल 4 व्हाइट ब्रेड ले लिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं, अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो उसका यूज भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक ब्रेड स्लाइस लेते जाएंगे। और ये मैंने लिया है एक कुकीज कटर जो बिल्कुल छोटे से साइज का है, और अगर के आपके पास कुकीज कटर नहीं है तो आप इसकी जगह किसी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं। एक एक ब्रेड स्लाइस लेते जाएंगे और बस कुकीज कटर से ये जो ब्रेड का पीस बच गया है इसको वेस्ट नहीं करना है, आप इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लीजिए। आप चाहें तो इससे ब्रेड की सब्जी बना सकते हैं, ब्रेड का हलवा बना सकते हैं, बर्फी जमा सकते हैं। आप चाहें तो इससे कटलेट बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। और इसे साइड से रख देते हैं और सेम प्रोसेस से इसी तरीके से मैं सारी ब्रेड काट लूंगी। और ये हमारे ब्रेड के सभी छोटे छोटे से बहुत क्यूट से राउंड निकल गए हैं। और ये मैंने लिया है एक छोटे से साइज का प्याज जिसे बारीक काट लिया है, इसी तरीके से टमाटर, और ये लिया है आधा शिमला मिर्च, उसे भी बारीक काटा हुआ है। सब्जियां जितनी बारीक काट लें उतना अच्छा है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी कि इसे बनाने की तरफ। और मात्र 5 से 7 मिनट में बनने वाले इस नाश्ते को बनाने के लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रखी है, और कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 से 2 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल। बहुत ही कम ऑयल लगता है, ऑयल की मात्रा थोड़ी सी और भी कम कर सकते हैं। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हुआ, उसके अंदर डाल देते हैं 1 टीस्पून जितनी राई, 1/2 टीस्पून जीरा। और जैसे दोनों चीजें अच्छे से चटकती हैं, मैंने लिए हैं ये कुछ करी पत्ते जिसे इस तरीके से हाथ से रफली तोड़कर डाल देंगे। करी पत्ते का टेस्ट इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है, और राई के साथ वैसे भी करी पत्ते का अच्छा कॉम्बिनेशन है। और करी पत्ते के साथ ही मैंने लिए हैं ये 2 छोटे साइज की हरी मिर्चें जिसे एकदम बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं या आपको मिर्चें पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। मिर्ची भी अच्छे से गर्म हो गई हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए, और बिना प्याज के भी आप इसे बना सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, आप चाहे तो उबले हुए आलू डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, यानी जो भी सब्जियां आपको पसंद हो और आप उसे कच्चा खा सकें वो सब डाल सकते हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। अगर आप टाइम से देखें तो सिर्फ 30 से 40 सेकंड हम प्याज को गर्म करेंगे, और आप चाहे तो इसमें कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट करेगा। और लीजिए 30 से 40 सेकंड हुए, और अब हम इसमें डाल देंगे ये शिमला मिर्च। आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं जो सब्जियां डाल रही हूँ वो सभी आप कच्ची आराम से खा सकते हैं, इसलिए बनने में बहुत ही कम समय लगेगा। नाश्ते में एक्स्ट्रा फ्रेशनेस के लिए हम इसमें डालेंगे हरी प्याज का ये व्हाइट वाला हिस्सा। नॉर्मली प्याज के साथ अगर आप ये प्याज भी डाल देते हैं तो नाश्ता ज्यादा फ्रेश लगेगा, थोड़ा सा अलग टेस्ट करेगा। शिमला मिर्च, प्याज और हरी प्याज सब हल्की हल्की पक चुकी है, और अब डालते हैं इसमें बेसिक से मसाले। ये ली 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, और ये लिया टेस्ट के हिसाब से नमक। हम इसमें ब्रेड डालेंगे, ब्रेड में ऑलरेडी नमक होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और बस अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये राउंड में कटी हुई ब्रेड। साथ ही ये टमाटर भी डाल देते हैं। अगर आपको टमाटर का कच्चा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप टमाटर को भी हल्का सा भून लीजिए, पर कच्चा टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है।
मटर का सीजन है और इसमें मटर वैसे भी अच्छी लगेगी, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून जितनी मटर। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं और बस सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इस नाश्ते में डालेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जिससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बदल जाएगा, वो है 2 टेबल स्पून जितना फ्रेश दही। अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर फ्रेश है तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप खट्टा डाल रहे हैं तो अमचूर पाउडर को कम कर दीजिए या स्किप कर दीजिए। 5 से 7 मिनट में आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। इसके बाद जो हमने हरा प्याज डाला था उसका हरा हिस्सा भी डाल देते हैं। और बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, नाश्ता बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। और लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सिर्फ 2 चम्मच तेल में बना हुआ पूरे घर के लिए ब्रेड और दही का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, बच्चों के टिफिन में रखिए। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा है। ये टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है, बनाने में बहुत ही कम समय लगता है पर खाने में टेस्ट अमेजिंग आता है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दें। चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।